सो हे देयर, तो यार बहुत लोग मुझे इस तरह की बातें पूछते हैं कि भैया हमारा इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम है, या फिर आईक्यू कम है, या फिर वी आर नॉट एबल टू ग्रैस्प थिंग्स वेरी क्विकली, तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? और ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में लोग पूछते हैं, ठीक है? कोई पूछता है जेईई के रिलेवेंस में कि एग्जामिनेशंस में विल वी बी एबल टू परफॉर्म बेटर देन दोज हु आर मच मच मोर इंटेलिजेंट देन अस. कोई लोग पूछते हैं प्रोफेशनल्स कामों के बेस पे कि यार मैं इतना से नहीं हूँ, क्या मेरी जॉब में या मैं क्या अपने प्रोफेशनल कैरियर में उतना प्रोग्रेस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. सम पीपल आस्क इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज कि यार मुझसे बहुत इंटेलिजेंट है, क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी. सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस टुडे, ठीक है? तो यार अब बात करते हैं कि आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना लाइफ में, उसका जो आउटपुट होता है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. पहला ये वो फैक्टर जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है? आपके कंट्रोल में क्या चीज़ है? योर एफर्ट, ठीक है? आपने कितना एफर्ट उसमें इन्वेस्ट किया है उस काम को करने के लिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आपके एग्जाम के मार्क्स आपका आउटपुट है, तो उसमें आपने क्या टाइम इन्वेस्ट किया है ये आपका एफर्ट हुआ. कितना आपने उसके लिए मेहनत किया, कितने क्वेश्चन किए हैं, कितना आपका नॉलेज है, दिस इज योर एफर्ट विच यू पुट इन फॉर दैट आउटपुट, ठीक है? आप प्रोफेशनल हो देन योर स्किल सेट, कितने घंटे आप काम पे जा रहे हो, कितना डेडिकेशन से यू आर डूइंग योर वर्क, ऑल दैट इज योर एफर्ट विच यू पुटिंग फॉर दैट आउटपुट, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड दे इंक्लूड थिंग्स लाइक योर लक, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन में सारे पेपर में सारे क्वेश्चन ऐसे आ गए कि यू डू नॉट नो एनी ऑफ दोज क्वेश्चन, ठीक है? मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से उठ के आ गए जो मैंने पढ़ा ही नहीं था. और ऐसा भी होता है कि आपने 10 चैप्टर छोड़ रखे हैं और उन 10 चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है? सो बोथ थिंग्स हैपन, सो दैट इज अ लक पार्ट विच नन ऑफ अस कैन नो एनीथिंग अबाउट. तो हम बात करते हैं अब एफर्ट वाले पोर्शन की. तो यार अब जो एफर्ट होता है ना, ठीक है, एफर्ट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर इनहेरेंट इंटेलिजेंस, ठीक है? तो अब ऐसा है कि आप हार्डवर्क ज़्यादा करोगे तो आप अगर इंटेलिजेंट नहीं भी होना ज़्यादा तो आप वो डिजायर्ड आउटपुट या एफर्ट अचीव कर लोगे, ठीक है? अब जैसे अपन बात करते हैं कि किसी टास्क को करने के लिए आपको चाहिए जैसे 100 यूनिट्स ऑफ एफर्ट चाहिए, ठीक है? जैसे जेईई को क्रैक करने के लिए 100 यूनिट्स ऑफ एफर्ट चाहिए, तो अब उसमें अगर आपकी इंटेलिजेंस 10 है तो आप 10 यूनिट्स ऑफ हार्डवर्क करके सेम एफर्ट अचीव कर सकते हो एंड सेम रैंक अचीव कर सकते हो. अब कोई बंदे का जैसे इंटेलिजेंस 100 है या 20 है, 20, तो वो 5 यूनिट्स ऑफ हार्डवर्क करके भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है? तो ये बात को समझो यार कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तभी आप उस अचीव कर सकते हैं एफर्ट को, ठीक है? यू इफ यू पुट इन मोर टाइम, ठीक है, थोड़ा वर्क ज़्यादा कर लोगे तो भी आप उस लेवल को अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा ये कहना था कि जो लोग ऐसा मानते हैं ना कि यार हम थोड़े इंटेलिजेंट कम है तो फिर हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है इंटेलिजेंट कम हो दैट्स एक्सेप्टेबल, सबके साथ होता है. इन दैट केस यू शुड पुट इन मोर एफर्ट, ठीक है? मतलब अपना टाइम बढ़ा दो, टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा करो, हार्डवर्क ज़्यादा करो, तो उससे उस चीज़ को तुम कॉम्पेंसेट कर सकते हो. तो यार अब इसमें बहुत लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि यार ये तो हमें भी पता था कि टाइम ज़्यादा बढ़ा के कर लोगे. अब आप ये बताओ कि जैसे अब जैसे इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, वो भी अगर पूरा एफर्ट लगा रहा है तो हम तो उससे कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है? वो ऐसा वो इस तरह की बातें करते हैं. तो यार ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि अगर किसी बच्चे का इंटेलिजेंस 20 है और वो भी 10 आवर्स पढ़ रहा है, तुम्हारा इंटेलिजेंस 10 है और तुम भी 10 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, देन वो 200 उसका एफर्ट हुआ, तुम्हारा 100 ही हुआ. वो सब बात मैं मानता हूँ, बट यार एक चीज़ तुम्हें समझनी होती है, वो ये होता है कि किसी काम को करने के लिए एफर्ट कितना चाहिए. सो लेट मी एक्सप्लेन विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर या बोल्डर है एंड यू वांट टू मूव इट, ठीक है, तो उसको पुश करने के लिए अगर 10 लोग चाहिए एंड तुम जबरदस्ती 20 लोग ला के उसको पुश करवा रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या उस पर? नहीं ना, वो उसी स्पीड से चलेगा, उसी एफर्ट पे चलेगा और उतने से वो मूव हो जाएगा. 10 लोग तुम जो ला रहे हो वो एक्स्ट्रा लोग हैं. तो वही एनालॉजी यहाँ पे लगाओ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ को करने के लिए 10 एफर्ट चाहिए, ठीक है, जैसे जेईई क्रैक करने के लिए जैसे 100 एफर्ट चाहिए था, मैंने जैसे बोला लेट्स जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग अप, तो उसमें अब तुम जबरदस्ती ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, ज़्यादा पढ़ के भी अगर तुम एफर्ट लगा रहे हो ना, तो उससे ऐसा नहीं होने वाला कि तुम्हारी रैंक पर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, ठीक है? वो तुम केवल अपना टाइम एक्स्ट्रा इधर उधर स्पेंड कर रहे हो. सच बात ये, तुम्हें जितना एफर्ट लगाना है उतना ही लगाना है, उसके ऊपर तुम कुछ भी एफर्ट लगा रहे हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर तुम ये बात समझो कि अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, तो अगर वो केवल जेईई के लिए ही मेहनत कर रहा है ना उतनी ही देर में जितना तुम कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अपना टाइम पास कर रहा है, ठीक है? ही और शी कैन डू मच बेटर थिंग्स देन इट. जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ ना, मेरा जेईई का सिलेबस या जेईई का प्रिपरेशन हो जाता था, स्पेशली 11th में बहुत जल्दी हो जाता था, तो मैं क्या करता था, जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था ना, आई यूज टू स्टडी फिजिक्स या ओलंपियाड, इनके लिए पढ़ने लग जाता था, ठीक है? तो ये ऐसा करना होता है कि मतलब अगर तुम्हारा काम जल्दी हो रहा है, इफ़ योर इंटेलिजेंस लेवल इज हायर देन अदर्स, तो तुम कम टाइम में वो करो, ठीक है, और बाकी टाइम में कुछ और पढ़ लो, किसी और गोल को परस्यू करो, है ना? सबका एम केवल यही थोड़ी होता है. अगर इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ यू कैन डू अदर थिंग्स एज वेल,
ठीक है, लेकिन अगर आप इतने आपका जो आपको लगता है कि आपका इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल इतना नहीं है, देन परस्यू ओनली वन गोल, बट उस पर डेडिकेटेड हो जाते हो, तो यू विल बी एबल टू अचीव इट। ठीक है, और एक और बात मैं बताता हूँ कि ये तो मैं बात कर रहा हूँ आइडियल केस की। रियलिटी में क्या होता है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना 10th तक, या बहुत ज्यादा उनको आता है, वो क्या होते हैं 11th में थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत कुछ आ गया है और हम तो हमसे आगे कोई है नहीं, इस तरीके बातें सोच लेते हैं, एंड देन दे स्टॉप स्टडिंग। ओके, क्योंकि उनको लगता है यार कि यार ये तो क्या है। और फिर 11th में क्या होता है, अगर आपने पढ़ाई थोड़ी छोड़ दी ना, और फिर जब कोर्स बिल्डअप होता है, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। ओके, इट रियली बिकम्स रियली रियली डिफिकल्ट टू कैच अप। तो इंटेलिजेंस होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी। ओके, सो ये चीज रियलाइज करो यार। एंड तो ये वाला केस अगर हो जाता है ना, अगर कोई बंदा मतलब इंटेलिजेंट है बट ही और शी इज नॉट पुटिंग एफर्ट, तो उस इंटेलिजेंस का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें इंटेलिजेंस मिली है तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से या जो भी है, तो फिर उसको यूज करो अच्छे काम में। ठीक है, उस टाइम में यू कैन स्टडी समथिंग एल्स, या तुम्हें कुछ भी अपनी लाइफ में करना पसंद करो। जैसे मैं 11th में बहुत सारे फिजिक्स की यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट पढ़ता था केवल क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, और उसमें मैं किसी एग्जामिनेशन के लिए नहीं, आई यूज्ड टू स्टडी देम जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, तो ऐसा टाइम मिल रहा है तो यूज इट फॉर दीज पर्पजेस। ठीक है, तो इस वीडियो का मैं तुम्हें वापस बता देता हूँ कहना क्या चल रहा था, समझी में अगर कोई कंफ्यूज हो गया हो, कि देखो इंटेलिजेंस और हार्डवर्क दो सेपरेट चीज़ हैं, दोनों की जरूरत होती है लाइफ में, बट इनका जो प्रोडक्ट और इनका जो प्रोडक्ट है ना, वो डिसाइड करता है कि आप अपना जो टास्क है उसको अचीव कर पाते हो नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब अगर तुम्हारा इंटेलिजेंस कम भी है ना, ठीक है, एक सर्टन लेवल तक भी है, ठीक है, तो फिर अगर तुम बहुत अच्छा पढ़ लोगे ना या अपना हार्डवर्क लेवल बढ़ा दोगे, देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट आउटपुट। उसमें ऐसा नहीं होता है कि केवल इंटेलिजेंट बंदा है वही IIT में रैंक वन ला सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट है, बहुत एवरेज, उनका इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है, लेकिन हार्डवर्क केवल हार्डवर्क के बेसिस पे बहुत अच्छी पोजिशन पे हैं। ठीक है, लिटरली नो सच पीपल। तो वो चीज़ होती है। और जहाँ तक बात है कि जो इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनकी बात करें, तो दे विल स्टडी वेल, आई नो दैट। मतलब ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट बंदा है वो क्यों इंटेलिजेंट है, उसकी हार्डवर्क की वजह से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंटेलिजेंस इज डिटरमाइंड बाय योर हार्डवर्क, कि आपने कितना हार्डवर्क अपने बचपन से किया हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आई स्टडीड अ लॉट, तो 11th में मेरा नेचुरल एप्टीट्यूड बन गया था पढ़ने का, सो आई वाज एबल टू सीरियसली 11th में। ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिली है, तो उसमें अगर आपको टाइम मिल रहा है देन यूज इट फॉर एनीथिंग एल्स। और फिर भी इफ यू आर पुटिंग दैट ओनली इनटू योर जेईई, देन यू आर काइंड ऑफ वेस्टिंग योर एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, तो जो लोग यार ऐसे सोच रहे थे कि यार मेरी क्लास में बंदा बहुत होशियार है, उसको बहुत कुछ आता है, तो मेरा कुछ होगा नहीं, इतना मत सोचो। तुम जो मेहनत कर रहे हो ना, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, कोई बंदा अगर पूरी 11th 12th मिला के कोचिंग प्लस स्कूल प्लस सेल्फ स्टडी का अगर दिन का 12-13 घंटे निकाल रहे हैं ना, जो यार सब लोग निकालते हैं लगभग, ठीक है, आप कोचिंग के अलावा अगर घर पे 5-6-7 घंटे पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो बहुत इनफ है वो। इतना करोगे तो कितना भी कमजोर बच्चा हो ना, कितना भी कम इंटेलिजेंट हो, अगर वो ऑनेस्टली अपना CTPP लगा रहा है, ही और शी विल क्लियर इट। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ JEE, किसी भी चीज़ इन लाइफ। ठीक है, तो इसमें तुम इतना चिंता मत करो यार कि इंटेलिजेंस वगैरह का। हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, बट टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, ये बहुत ही फेमस कोट है, सो जस्ट रिमेंबर इट। टैलेंट है, हार्डवर्क नहीं करोगे देन दैट टैलेंट इज यूजलेस। टैलेंट है, हार्डवर्क करोगे, लेकिन एक ही चीज़ में हार्डवर्क करोगे, देन ऑल्सो यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट। टैलेंट है अगर, तो हार्डवर्क करो, लेकिन मल्टीपल चीज़ों को करके ज़्यादा आउटपुट अचीव करो। ठीक है, सो यही था यार। तो जो समझते हैं कि हमारा इंटेलिजेंस कम है, सेट ऑफ प्रायोरिटीज राइट, केवल एक गोल पे फिक्स कर लो अपना माइंड कि यार JEE करना है तो JEE करना है, और उस पर लग जाओ। 2 साल बैठ जाओगे डेफिनेटली यूर अचीव, 2 साल छोड़ो 1 साल में कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। तो यार और भी कुछ क्वेरीज हो, जस्ट मैसेज मी ऑन योर इंस्टाग्राम और वॉट एवर, चेक आउट द लिंक्स फॉर योर जो भी बुक्स है या अकेडमी, उस पर लिंक वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।